हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर के बना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं नया सिखाता जरूर हूँ आपको, तो इस वीडियो में क्या नया है आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर कहीं लेके आ जाता हूँ, लाइक यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर भी एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड दिख रहा होगा। समस्या ये है कि हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं वी लुकअप, और वी लुकअप हमेशा फॉरवर्ड काम करता है, बैकवर्ड काम नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में आ जाइए। अब देखिए, हमारा जो डेटा है, पहला डेटा एम्प्लॉय नेम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा एम्प्लॉय नेम से स्टार्ट हो रहा है और एम्प्लॉय कोड वाला हिस्सा लास्ट में दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आने वाले हैं एम्प्लॉय नेम पर, और यहाँ पे लगाने वाले हैं वी लुकअप। तो ये लगा दिया वी लुकअप, तो ये वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। वी लुकअप जैसे ही आप लगाते हैं तुरंत ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आए वही वैल्यू के बारे में हमें जानना है कि उस एम्प्लॉय का नेम क्या होगा जिसका की कोड यहाँ पर दिया गया है, उसी के हिसाब से हमें ये फेच करवाना है डिटेल। यहाँ पर हमें सेमी कोलन लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक्सेल नहीं है और ना ही लिब्रा ऑफिस कैल्क है, ये ओपन ऑफिस कैल्क है, तो यहाँ पर आपको सेमी कोलन ही देना होगा। ये गलती आप प्लीज मत कीजिएगा, नहीं तो ये दिक्कतें आती रहेंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल वे में यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो इफ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाइए। कर्ली ब्रेसेस जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 और सेमी कोलन 0, ये लिख दिया। अब इस कर्ली ब्रेसेस को बारी है क्लोज करने की, तो कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लिया जाए, और क्लोज करके यहाँ पर सेमी कोलन हमने लगा दिया है, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल वे में पहले क्या करना है और फिर बाद में क्या करना है, दोनों चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आपको यहाँ से ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको, और फिर एम्प्लॉय कोड, तो पहले एम्प्लॉय कोड लेना है आपको। ये एम्प्लॉय कोड लिया हमने और यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दिया, यानी सेमी कोलन लगा दिया तो ये टर्मिनेट हो जाता। फिर यहाँ पर इसको लिया और फिर यहाँ पर इसको भी टर्मिनेट कर दिया, यानी दोनों ही चीजें लेकर के हमने टर्मिनेट कर दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट को, यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको कर देना है क्लोज, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं देना है, बल्कि यहाँ पे देना है टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कॉमा के बजाय आपको लगाना है सेमी कोलन, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको कर देना है, और ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वे में प्रेस करना है एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ कोड टाइप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1 4 8 टाइप करता हूँ, 8, ठीक है। जैसे ही 1 4 8 टाइप किया तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली आ गया, यानी कि डेटा आपका किस साइड से आ रहा है, डेटा आपका राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से नहीं ये लुकअप लग रहा है। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर लाइक मैं कुछ और टाइप करता हूँ, लाइक यहाँ पे कुछ कोड टाइप करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टाइप कर दिया मैंने 150, अगर मैं 150 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर क्या नाम आना चाहिए। अब इसी को मैं यहाँ से नीचे से ड्रैग करवा दूंगा, ये देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सचिन आ रहा है, आ रहा है ना। अगर मान लीजिए हमें 149 वाला चाहिए, तो देखिए मैं इधर उधर करके भी इसको लगा रहा हूँ तो ये काम करेगा, 149, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से मैं फिर इसको ड्रैग करवा देता हूँ, तो ये ड्रैग करवाया हमने, तो यहाँ पे देखिए श्याम ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ ही साथ आज शाम को जो टैली की क्लास होने वाली है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 8:30 बजे हर संडे को जो क्लास होती है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।